आप सभी का स्वागत है अंग्रेजी मेला यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हाउ टू आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश। ओके, यह फर्स्ट स्टेप्स होता है इंग्लिश स्पीकिंग का। ओके दोस्तों, सो स्टार्ट। हाउ आर यू, हु आर यू, वेयर इज योर बुक, वेयर इज योर माइंड, एम आई टीचर, आर यू डॉक्टर, आर दिस बॉस केयरलेस, इज सी ब्यूटिफुल, इज राधा स्लिम गर्ल, वेयर इज योर हाउस। इस प्रकार आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस अपने मित्रों से, अपने फ्रेंड्स से आप लोग पूछिए। यहाँ तक कि आप जहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं या शॉपिंग करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं या किसी से मिल रहे हैं, तो आप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछिए। यह इंग्लिश बोलने का बेस्ट प्रैक्टिस है। ओके, डू यू रीड बुक, डज सी स्पीक इंग्लिश, डज राम कम लेट, डज ही रीड एट नाइट, डज योर टीचर टीच, वेयर डू यू लर्न इंग्लिश, वेयर डू यू रीड, व्हाट डू यू रीड, व्हेन डू यू रीड, व्हाई डू यू रीड। ऐसे ही छोटा छोटा प्यारा प्यारा सा क्वेश्चंस आप अपने मित्रों से बोलें, पूछें। ओके, जब आप अपनी क्लास में जाते हैं या कोचिंग में जाते हैं या स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं या जहां कहीं मिलते हैं, तो छोटा छोटा क्वेश्चंस आप अपने बातचीत में इस्तेमाल करें। यह इंग्लिश बोलने का बहुत ही बेस्ट और बेहतरीन तरीका है। ओके, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, इज सी लर्निंग इंग्लिश, इज राम गोइंग टू स्कूल, इज योर ब्रदर टीचिंग, वाई आर यू बीटिंग हिम, वाई इज ही लर्निंग इंग्लिश, व्हेन इज मोदी कमिंग, वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश। ऐसा ही क्वेश्चंस जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट से आपने पूछा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पूछा, उसके बाद आप प्रेजेंट परफेक्ट से पूछेंगे। ऐसे ही आप छोटा छोटा क्वेश्चन उठाइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ तक प्रेजेंट टेंस से उठाइए। ओके, तो यह बहुत ही तरीका अच्छा है इंग्लिश सीखने के लिए। अब स्टार्टिंग पॉइंट्स है फ्रेंड्स। हैव यू ईटन फूड, हैज ही गॉन टू मार्केट, हैज सीता ब्रॉट मैंगो, हैज राजा किल एन एनिमल, हैव यू सीन हिम, वेयर हैव यू बीटन हिम, व्हाई हैव यू लर्न इंग्लिश, When has he taught this lesson? Who has told you? देखो कितना प्यारा प्यारा सब ये क्वेश्चंस है। ओके, आप ऐसे ही क्वेश्चंस बोलने का प्रयास करो। नहीं आपका जुबान खुल रहा है तो पहले लिखो, फिर याद करो, फिर उसको तेजी तेज तेज बोलो, अपने आप से बोलो, फिर उसके बाद अपने फ्रेंड से बोलो। गलती ही बोलो लेकिन बोलो। ओके, यह अभ्यास आपको एक दिन इंग्लिश बुलवा कर ही रहेगा दोस्तों, यकीन मानिए। बस रहते कि यू हैव टू डू प्रैक्टिस। इंग्लिश स्पीकिंग मीन्स प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेट योर गोल्स, यू विल डेफिनेटली लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, यदि यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक करें, मेरे अंग्रेजी मेला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। आप सबका बहुत बहुत ही धन्यवाद।